नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर बांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हैंडपम्प को बैंड करके दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी तो एक लाइक, नए हो प्लम्बर बांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हैंडपम्प है ये भरान के गहरे में दब चुका है। ये देख सकते हो इस तरीके से जो टी है वो भरान से डाउन में ही है। इसका जो मोटर भी है वो भरान के डाउन में है। तो दोस्तों इसे मोड़ के वहाँ कोने में ले जाएंगे। फिलहाल देख सकते हो इस मोटर के पार्ट्स खोले जा रहे हैं। सबसे पहले इसे हटाना होगा दोस्तों, फिर खोद के उस कोने में ले जाना होगा। इसके लिए 1.5 इंच के दो एल्बो, 4 फुट का और 2 फुट का निप्पल लगाया जाएगा दोस्तों। ये देखिए अब प्रोसेस दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मोटर हटानी, फिर ये लगे हुए टुकड़े खोलने पड़ेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से बंदा लग गया है। अब धीरे धीरे ये सामान हटा देंगे हम यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ी सफाई करनी पड़ रही, दब गई है मोटर। ये देखिए अब हैंडपम्प खुल रहा है। इस जगह आएगा दोस्तों वो कोने में जहाँ पे एक कनस्तर रखा हुआ है। ये देखिए अब हैंडपम्प घुमाया जा रहा है। मोटर का पार्ट्स खोल दिया है अभी, अब हम हैंडपम्प को भी खोल देंगे। ये देखिए इस तरीके से अपना सामान है। ये देखिए थोड़ी दूर से ये खुल गया है हैंडपम्प। जो नलका है इसे खोल के हटा देंगे। अब हमारा खोदने का प्रोसेस होगा दोस्तों। अगर हैंडपम्प को कभी भी बैंड करना हो तो खोद के आगे ले जाया जाता है, उसके बाद ही वो नीचे जब जड़ में मसाला डालेंगे तो तभी मजबूत रहेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ है वो, अब खुदाई होगी इसके बाद। ये देख सकते हो दोस्तों खुदाई का काम भी करवा दिया है। ये पार्ट्स खुला है जो मोटर के ऊपर लगा हुआ रहता है। ये देखिए इस तरीके से खुद के हो गया तैयार। अब लोहे के जो पार्ट्स होंगे उनमें धागा सफेदा लगा के इसे कसने का प्रोसेस करेंगे और उसके बाद मोटर और नल का चला के दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ये धागा सफेदा लग जाएगा, एल्बो लग चुकी है देख सकते हो सामने। उसके बाद एल्बो में ये एक टुकड़ा कट कस के 4 फुट का, उसके बाद में 3 फुट का जो दो फुट का जो खड़ा टुकड़ा है उसे कसेंगे। फिर उसके बाद जैसे हमने हैंडपम्प का चीज खोला था सेम वैसे जोड़ना है दोस्तों। ये देख सकते हो अब ये हो चुका है कम्प्लीटली। ये एल्बो है, ये लंबा टुकड़ा है और वहाँ से ठीक ऊपर हमने ये मोटर सेम हीटर के ऊपर लग दी है दोस्तों और मोटर चल गई है। बैंड के बाद मोटर चल गई है दोस्तों। ये देख सकते हो इस तरीके से बढ़िया पानी उठा रही मोटर, अभी कहीं दिक्कत नहीं होती दोस्तों। कहीं पे अगर नलके में बैंड करना हो इस तरीके से लोहे के लगाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लास्टिक के भी लगा सकते हैं, पर प्लास्टिक में थोड़ा सर्दी गर्मियों में हवा लेने की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कभी भी आप लोग बैंड करो तो लोहे की पाइप में ही करना दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मोटर है हमारी छोटी मोटर टुल्लु पंप, इसे हमने शिफ्ट कर दिया है और ये हमारा काम लगभग होने को ही आ रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो मोटर का प्रेशर। तो ये दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी किसी को नॉलेज हो जाए हैंडपम्प का भी बैंड होता है कि नहीं, इसलिए बनाई थी दोस्तों। ये देखिए अब ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर ठोकना। नए आए हो प्लम्बर बांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि प्लम्बर की जो वीडियो होगी टाइम टू टाइम मिलती रही। आज के लिए इतना।